हाय फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे जम्मू में एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चल रही है। अच्छी बात है कि एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि आर्टिकल 35A के हमारे ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, अच्छे या बुरे। और बहुत सारे नेता बाहर आए हैं, और मज़े की बात तो ये लगी कि फेसबुक इज फ्लडेड विद कमेंट्स ईदर इन सपोर्ट ऑफ और अगेंस्ट 35A। लेकिन इसमें बुरा मुझे ये लग रहा है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं 35A को, और या जो अगेंस्ट हैं, ये सब आउट ऑफ इग्नोरेंस कर रहे हैं। दे हैव सर्टन सेट ऑफ प्रेजुडिसेस जिसके बेसिस पे ये सपोर्ट कर रहे हैं और उसको अपोज भी कर रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने ऐसा सब करते हुए देखा, सपोर्ट करते या अपोज करते हुए, लेकिन दिमाग से सब पैदल, पता किसी को भी नहीं है। मैं वीडियो बना के भी डाल सकता था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, बिकॉज ये बड़ा ही एक मतलब खतरनाक सा टॉपिक है, जिस पर डिस्कशन करने से बड़े सारे एक रेपरकशंस हो सकती हैं मेरे ऊपर। सो मेरा सारा का सारा अटैक रहेगा, हमारा एक जयतंत जम्मू का दलाल, एक हरामजादा कुत्ता देवेंद्र सिंह राणा, जिसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, झूठ पे झूठ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और किसी ने सवाल तक नहीं उठाया। सबसे पहली बात, देवेंद्र सिंह राणा बोलते हैं कि हमारे महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने ये 1935 में डोगरों को बचाने के लिए लाया था। पहला झूठ। 1935 में महाराजा हरि सिंह के एडवाइजर कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। ये डोगरा कल्चर को बचाने के लिए नहीं लाया गया था, ये कश्मीरी कल्चर को बचाने के लिए लाया गया था। कश्मीर में उस टाइम के अनडिवाइडेड पंजाब में मोस्टली लाहौर से लोग, सियालकोट से लोग उठ उठकर कश्मीर में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते थे, और कश्मीरियों को लगता था कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में है। तो ये महाराजा को बोल करके किसी तरह से परसुएड करके एक तरह का ये लाया गया ताकि ये लोग हमारी स्टेट में ना आए। ये डोगरा आइडेंटिटी को इन्वोक करना इस पॉइंट पे, इट्स अ लाई, इट्स अ ब्लडी फकिंग लाई, डोंट बाय दिस। अगर किसी को इतना खुजली है ना, अगर इसको जानने की, तो गो एंड सर्च थ्रू योर हिस्ट्री, यू विल कम टू नो कि ये क्यों आया था, डोगरों के लिए नहीं, कश्मीरियों के लिए। और सबसे ज्यादा मिर्ची आज की डेट में किसी को लग रही है ना, तो डोगरों को नहीं, कश्मीरियों को लग रही है, उस चीज को भी समझो। दूसरी बात, ये कुत्ता बोलता है कि जितने भी बाहर के हैं उनको आइडेंटिफाई करो और यहां से बाहर निकालो। कौन है बाहर का? बिहार यूपी की लेबर, वो बाहर के हैं, उनको बाहर निकालो। अरे एक बंदा बताओ मेरे को जम्मू का जो अपना घर, अपनी सड़क, अपनी नाली बनाने के लिए बिहार और यूपी की लेबर जो है यूज नहीं करता। इनके और हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, दे आर द मोस्ट एफिशिएंट एंड चीपेस्ट लेबर नो जो हमारी स्टेट में अवेलेबल है। बाहर कर दोगे तो काम कौन करेगा, तुम्हारा बाप या देवेंद्र सिंह राणा करेगा? देवेंद्र सिंह राणा ने नेक्सा बनाया अपनी, ये जितनी भी इसने फैक्ट्रियां खोली, वहां पे काम करने कौन आया था? डोगरे, कश्मीरी, साला दलाल बात करता है ये डोगरा आइडेंटिटी की, और फिर बोलता है जो आउटसाइडर उनको बाहर निकालो। आउटसाइडर कौन है मैं बताता हूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी है कि जम्मू से हिंदुओं को खत्म करो, कम करो। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज 1947, 1965, 1971, 7.5 से 10 लाख उनकी पॉपुलेशन है आज की डेट में, वो है आउटसाइडर जिनको निकालने की बात कर रहे हैं ये। दूसरी सांस में बोलता है रोहिंग्या को हम ना लाए थे, हम ना निकालेंगे। तेरी मासी के लड़के लगते हैं, ना लाए थे ना निकालेंगे? लाए नहीं थे तो निकालने के लिए तो तुम अपोज कर सकते हो। आज जितनी मिर्ची इसको 35A पे लग रही है, इतनी मिर्ची तब क्यों नहीं लगी जब रोहिंग्या यहां पे आए थे? उनको निकालने के लिए क्यों नहीं बोला? क्या किसी को पता है इसी फारूक अब्दुल्ला ने इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशियों को हमारी स्टेट में बसाया था, पंजाबियों को, भंगियों को हमारी स्टेट में बसाया था? पता है किसी को इस बात का? जो आज की डेट में गांधीनगर ग्रीन बेल्ट में, जिसको वाल्मीकि वो बोलते हैं, वाल्मीकि कॉलोनी बोलते हैं, पूछो वो कौन है, किसने उनको स्टेट से रख दिया? डोगरा आइडेंटिटी की बात करने वाले को बताओ कि डोगरा आइडेंटिटी है कहां है? हु द हेल इज अ डोगरा? बताओ मेरे को डोगरा कौन है? डोगरा वो जो डोगरी बोलता है, तुम में से कौन सा जो डोगरी बोलता है? शर्म आती है तुम्हें डोगरी बोलते हो भी, और आज डोगरा आइडेंटिटी की बात कर रहे हो? जम्मू में हैं कहां डोगरे? पांतीर्थी, जानीपुर, गांधीनगर? अरे जाओ चुआदी देखो, जाओ बठिंडी देखो, गुजर नगर देखो, सिदला देखो, बजालता देखो, अकलपुर देखो, देख लोगे चारों तरफ, तुम्हें समझ आ जाएगी। नगरोटा भी जाके देख लो कि डोगरे हैं कहां पे हैं। रुको थोड़ी देर, सालों तुम्हें दिखेगा डोगरा आइडेंटिटी यहां पे क्या है। डोगरा आइडेंटिटी तब हो जब पीर पंजाल के उस तरफ रहने वाले कश्मीरी भी जम्मू में आके ना बसें, हमारे लिए वो भी आउटसाइडर्स हैं। अगर वो यहां पे आकर रुक सकते हैं तो हर हक है लखनपुर के उस तरफ वालों को भी यहां आके बसने का। हिमाचल के लोग, चंबा के लोग, वो डोगरे हैं,
उनकी आइडेंटिटी हमारे साथ मिलती है। वी आर वन, हम एक लैंग्वेज बोलते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक रिलीजन है। वो लोग यहां आए, कश्मीरी यहां नहीं आ सकते। अगर कश्मीरी यहां आता है तो डोगरा आइडेंटिटी, डोगरा कल्चर पे फ्रंटल अटैक है ये, जिसको हमने अपोज करना है। फिर बोलता है जॉब्स इन हरियाणा और पंजाब के जो बंदे हैं लंबे चौड़े 6-6 फुट के, यहां पुलिस की नौकरी ले लेंगे। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम में से जो लंबे लंबे 5-5, 6-6 फुट के थे, कितने साले आज की डेट में पंजाब और हरियाणा पुलिस में बैठे हुए हैं? कौन जाता एक सिपाही की नौकरी करने पंजाब और हरियाणा पुलिस में जम्मू से उठ के? कोई नहीं जाता। कोई एक दो कुड़ी की टुच्ची नौकरी लेने इतने दूर नहीं जाता। और एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, छोटी नौकरी तो छोड़ो, आईएएस आईपीएस और जो ये जो टॉप क्लास आईएफएस ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, लास्ट प्रेफरेंस होती है बच्चों की, लास्ट प्रेफरेंस जेएंडके की, जो बाहर के बच्चे होते हैं, दे गिव जेएंडके एज द लास्ट प्रेफरेंस। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हु डोंट बिलोंग टू जेएंडके गिव इट एज देयर लास्ट प्रेफरेंस। नो वन बडी वॉन्ट्स टू कम टू जेएंडके, कोई ये ना जाता यहां पे। 35A हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? अगर 35A हटेगा, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को यहां पे न्याय मिलेगा, अपनी जिंदगी, उनकी तीन पुश्तें यहां खज्जल हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दलाल साले, ये पीडीपी के दलाल, उनको यहां की सिटीजनशिप नहीं लेने देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीरी हेजेमोनी फैलानी है। बनिहाल किश्तवाड़ तक पहुंच गए हैं, अब अगला अटैक जम्मू है। जम्मू कठुआ में जो हुआ ना, उसको लिंक करके देख लो। डेमोग्राफी चेंज इज अ प्लान विच दे आर वर्किंग ऑन। हमारे लिए पंजाबी हिमाचल के ज्यादा हमारे कल्चर को बिलोंग करते हैं, रादर कश्मीरीज। अगर 35A हटेगा, वहां के लोग यहां आएंगे, तो वी विल बी मोर सिक्योर। और वैसे भी जम्मू के लोग बाहर भाग ही नहीं है, यहां कोई नहीं रुकने वाला। जो हालात यहां पे है ना, ज्यादा देर तुम रुक भी नहीं पाओगे। जॉब्स की बात की, सॉरी जॉब्स, और दूसरी पॉइंट इन्होंने रेज किया रेजिडेंस। जॉब्स और रेजिडेंस की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 35A नहीं है, जाओ लेके दिखाओ नौकरी। हिमाचल में 35A नहीं है, जाओ लेके दिखाओ प्रॉपर्टी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 35A नहीं है, घुस के दिखाओ किसी स्टेट में यार। अरुणाचल प्रदेश में जाके दिखाओ, घूमने के लिए जाओ, तुम्हें तो पता चल जाएगा वहां जा सकते हो, एंटर नहीं हो सकते तुम। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, वो हर स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस दे सकती है, और जेएंडके को भी देंगे कि बाहर के लोग यहां नौकरी ना करें। लेकिन हमें बाहर के पैसे की जरूरत है, बाहर के लोगों की जरूरत है यार। देवेंद्र सिंह राणा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये है, केसी हो गया, केसी वाले हो गए, देवेंद्र सिंह राणा हो गया, ये दलूजा हो गया, दो चार और पकड़ लो, ये टॉप बिजनेसमैन जेएंडके के, मोनोपोली इनकी है यहां पे, पैसा इनके पास, जो चाहे वो करते हैं, पैसा फेंकते हैं, काम निकालते हैं। अगर 35A हटेगा ना, इनके जैसे शिल्लू पिड्डू बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी जेबों में डाल के घूमेंगे, जीरो हो जाएंगे ये। इनको सबसे बड़ी तकलीफ अपनी है, अपना बिजनेस जाएगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, बाहर के लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ले जाएंगे, हम कहां जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी फिक्र किसी को नहीं है, ये जो हमें अपना दिखा रहे हैं ना, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं। हमसे लेना देना होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ट्यून्स पे नहीं नाचते ये दलाल। ये दलाल हैं, दलाल जम्मू के जयचंद हैं, इनकी पहचान करो, आइडेंटिफाई करो इन लोगों को। अरे भाई 35A वो सेक्शन है जो एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी मुस्लिम, गिलगित बल्तिस्तान के मुस्लिम को जेएंडके में रहने का मौका देती है। दे कैन कम एंड लिव इन योर स्टेट, दे कैन कम टू जम्मू एंड लिव विद यू, दे कैन परचेज प्रॉपर्टी, दे कैन गेट जॉब्स। बट अ पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जो हमारी तरह डोगरी बोलता है, पर्सन फ्रॉम पंजाब जिसका कल्चर हमसे मिलता जुलता है, पठानकोट का बंदा, वो यहां आ भी नहीं सकता। क्या तुम्हारे दिमाग में ये सब नहीं जा रहा? क्या समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है हमारे साथ? पाकिस्तानी यहां आएंगे, यहां का बंदा पाकिस्तान की औरतों को शादी करके यहां लाएगा, स्टेटस अटैक मिलेगा। यहां की लेडी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले से शादी करेगी, दोनों यहां के सेटल हो जाएंगे, दोनों को स्टेट सब्जेक्ट मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। जम्मू की लड़की अगर पंजाब या हिमाचल में शादी करेगी, उसका तो गया ही गया पीआरसी, उसके बच्चों को भी नहीं मिलेगा, बेदखल हो गए। और तुम सबको पता है कश्मीरी यहां बाहर शादी नहीं करते, वो शादियां करते हैं पाकिस्तान में जाके, वो वापिस आके बसेंगे यहां पर, हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। समझो इस चीज को। 35A को हटाना बहुत जरूरी है। 35A हटेगा, सबसे बड़ा लॉस कश्मीरियों का होगा, कोई जम्मू नहीं आएगा। जम्मू में है क्या सालों, बताओ मेरे को, जम्मू में है क्या? कोई जम्मू क्यों आएगा? सब कश्मीर जाएंगे, सब कश्मीर जाएंगे, ब्यूटी है कश्मीर में।
बिजनेस है कश्मीर में, प्रॉपर्टी बनाती है वहां पे, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, होटल्स बनाएंगे वहां पे लोग जाके, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कश्मीरियों के छोटे छोटे होटल खत्म हो जाएंगे। दर्द उनको है, हमें कोई दर्द नहीं है। हमारे यहां पे हमारा था ही क्या, क्या था क्या हमारे पास यहां पे, एक पत्नी ड्रॉप छोड़ के हमारे पास था क्या? कौन सा टूरिस्ट सेक्टर हमारे यहां पे डेवलप किया किसी ने? कौन सी इंडस्ट्री है हमारे यहां पे? कुछ नहीं है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनेगी कश्मीर में, बनेगी, 35 हटेगा, कश्मीर की जो मोनोपोली है ना हमारी जेएंडके की पॉलिटिक्स पे, वो खत्म हो जाएगी। कश्मीरियों को लॉस होगा, हमारा लॉस नहीं होगा। मैं तो कहता हूं 35 हटाया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को एंश्योर करे कि वो आदमी जो स्टेट में 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करता है उसको यहां का पीआरसी दिया जाए, वो यहां पे रहे, सारे के सारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को यहां की सिटीजनशिप मिले, वो सबके सब यहां पे नौकरियां हासिल करें, वो सबके सब यहां पे वोट डालें, जम्मू की सीटें कश्मीर से ज्यादा हो, हमारी जो पॉलिटिकल सब्जुगेशन है वो खत्म हो। वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक 35A खत्म नहीं होगा, तब तक वो खत्म नहीं हो सकता। इसे 35A का जाना बहुत 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 जरूरी है, और 35A का महाराजा हरि सिंह से ज्यादा लेना देना नहीं है। नेहरू शेख अकॉर्ड 1954 में हुआ था जिसकी वजह से ये आया था, पार्लियामेंट ने पास नहीं करना था, नेहरू को समझ आ गई थी, इसलिए उसने पार्लियामेंट को बाईपास करके अजीब से तरीके से 370 के अंडर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करके ये 35A को इंसर्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के फुट नोट्स में ऐड कर दिया गया, जबकि मेन पार्ट ना ही पार्ट 3 में है ना ही पार्ट 4 में। तो इन चीजों को समझो यार, नालायक ना बनो। और वैसे भी नौकरियों की बात करते हो यार, बताओ मेरे को तुम्हें नौकरी मिली कौन सी है? 10,000 पुलिस की भर्ती आई थी, 2,000 जम्मू को मिली, 8,000 कश्मीर को मिली, तब नहीं चूंका तुम में से कोई, तब नहीं आया देवेंद्र सिंह राणा आगे, कौन सी नौकरी मिली तुम लोगों को, जम्मू वालों को? बेवकूफ अनपढ़ की जमात वाले डोगरे हैं ही अनपढ़ है। पीएससी में कौन सी नौकरी मिली? 6,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, 6,000 में से 5,000 कश्मीरी था, कहां थे तुम? एसएसबी में तो धांधली और कश्मीरियों को लगाया जा रहा है, कहां थे तुम? वैसे भी नौकरियां तुम्हें नहीं मिल रही हैं, कश्मीरी खा गए, और वैसे भी नहीं मिलेंगी। अब फैसला करो, दिमाग से सोचो, स्टडी करो, फेसबुक पे बैठ के कमेंट्स नहीं करो, दिमाग लगाओ, अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो, लार्जर पिक्चर को समझो। ये डेमोग्राफिक चेंज की लड़ाई है और कुछ नहीं है। 35 हटेगा, हिंदुस्तान का हिस्सा है जे एंड के, हर हिंदुस्तानी को हक है यहां आने का। जाओ बाहर जाके देखो, ये जम्मू के लोग कभी बाहर निकले नहीं, अपने घरों के अंदर घुस के रहते हैं और बाहर वालों से डरते हैं। बाहर जाके देखो तरक्की क्या होती है। यहां से भाग भाग के बैंगलोर पुणे में तुम लोग जॉब करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उनके घर में घुसोगे, लेकिन अगर उनका बंदा यहां तो तकलीफ हो रही है। मैं से ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़ो, समझो, चीजों की लार्जर पिक्चर को देखो कि हो क्या रहा है। 35 हटना बहुत जरूरी है, ये हमारे देश के लिए, हमारी एक आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डोगरा आइडेंटिटी इज नॉट लिमिटेड टू जम्मू सिटी ओनली, ये हिमाचल प्रदेश के कॉर्नर्स तक जाती है, हमारी आइडेंटिफिकेशन उनसे मिलती है, पंजाब की नदन पार्ट तक जाती है, हमारी आइडेंटिटी उनसे मिलती है, वो हमारे लोग हैं। ये पीर पंजाल के उस तरफ रहने वाले जो पाकिस्तानी स्टूग्स हैं, ये हमारे नहीं है, ये यहां कर रुक रहे हैं, पूरी जमीन इन्होंने खरीद ली। और यार मान लो अगर पंजाबी यहां आते भी हैं तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, जमीन के रेट हाई होंगे, जमीन हम ही बेचेंगे, कोई जाके जबरदस्ती मेरी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। जो जमीन 50,000 रुपया मरला थी, वही 5,00,000 रुपया मरला बिकेगी। मैं बेचूंगा, कश्मीरी को नहीं बेचूंगा, एक पंजाबी को बेचूंगा, एक हिमाचल के बंदे को बेचूंगा, जिससे मेरे को थ्रेट नहीं, जिससे मेरे को खतरा नहीं। बठिंडी पूरा का पूरा बन गया, सुंजवा में अटैक हुआ, क्या कर लियो तुम लोगों ने? अपने लोगों को बिठाओ जिन पे भरोसा कर सकते हो, जो आतंकवादियों के सपोर्टर नहीं है, जो पाकिस्तानियों के सपोर्टर नहीं है, आ रहे हैं बाहर के कश्मीरी, आ रहे हैं हमारे लिए, वो बाहर के हैं भाई। हिमाचल पंजाब वाले भी आने दो, बैलेंस करो अपने आप को। ये है 35A, ये है कश्मीरियों का दर्द। और जम्मू के दलाल कश्मीरियों की वो बोलते हैं पूंछ बने हुए हैं, बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। समझो, दिमाग से सोचो।